एनडीए भाजपा सरकार ने आज से लगभग एक महीने पहले जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अवधि है, जो उनका कार्य क्षेत्र है, उसको पंजाब और बाकी प्रदेशों में बढ़ाया है। पंजाब में ये जो अख्तियार क्षेत्र है, जो उनका काम करने का क्षेत्रफल है, उसको 50 किलोमीटर कर दिया है। इसका साफ तौर पर ये मतलब है कि आधे से ज़्यादा पंजाब आज बीएसएफ के निरीक्षण में है। इसके ऊपर बहुत कड़ी आपत्ति पंजाब में हर राजनीतिक पार्टी ने की, पर मुझे इस बात पे आश्चर्य है कि आज तक पंजाब सरकार ने संविधान की धारा 131 के तहत इसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती क्यों नहीं दी। देखिए, ये संघीय ढांचे के ऊपर बहुत बड़ा आघात है, और सिर्फ प्रस्ताव पारित करने से और सर्वदलीय बैठक करने से ये मामला हल नहीं होने वाला। सरकार, केंद्र सरकार ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लेगा, और एक ही एक तरीका है कि इसको उच्चतम न्यायालय में धारा 131 के तहत चुनौती दी जाए। और अगर ये चुनौती नहीं दी जा रही तो क्या इसका मतलब ये लगाया जाए कि सिर्फ राजनीतिक जो एक राजनीतिक कार्य है उसको पूरा करने के लिए ये सारा विरोध किया जा रहा है। सर, आज 8 नवंबर है, 5 साल हो चुके नोटबंदी को, लेकिन अभी नई रिपोर्ट के मुताबिक 64% ज़्यादा कैश फ्लो तब से अब तक बढ़ चुका है। जो वैल्यू और वॉल्यूम है बैंक नोट्स की, वो तकरीबन 17% और 8% बढ़ चुकी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज नोटबंदी का की 5वीं सालगिरह है, और 8 नवंबर 2016 8 बजे रात को जब ये तुगलकी फरमान जारी किया गया तो 3 उद्देश्य बताए गए थे नोटबंदी के। सबसे पहला कि काला धन समाप्त करेगी, दूसरा भ्रष्टाचार रोकेगी, तीसरा जो आतंकवाद को पैसा जाता है उसके ऊपर लगाम कसी जाएगी। 5 साल में एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। आप खुद ही बता रहे हैं कि आज जो सर्कुलेशन ऑफ कैश है भारत की अर्थव्यवस्था में, वो 2016 के बनस्बत 65% से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। भ्रष्टाचार का कोई आलम ही नहीं है, और जहाँ तक आतंकवादी संगठनों को पैसा जाने की बात है, वो पैसा उसी तरह जा रहा है जिस तरह से 2016 से पहले जाता था। तो क्या प्रधानमंत्री ये कृपालता करेंगे देश को बताने की कि जब उन्होंने ये तुगलकी फरमान जारी किया था और उसके 5 साल बाद क्या एक भी उद्देश्य उस तुगलकी फरमान का पूरा हुआ है कि नहीं?